मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को आज 90 प्लस स्कोर 2021 में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी टॉपिक वाइज बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो पर बने रहिए और अंत में अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ऐसे जो बंदा केमिस्ट्री में 2021 में 21 के पॉजिटिव अंक लाना चाहता है तो वो कैसे ला सकता है? देखिए, कोई बात नहीं यार, आप बेचिंता हो जाइए, विमुक्त हो जाइए, आप ला सकते हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री है दोस्तों, केमिस्ट्री 3 अंक में कितने 100 अंक है, कितने अंक है 100 अंक है, ठीक है। एक केमिस्ट्री जो है दोस्तों, ये 100 यानी कि 100 अंक है, ठीक है। सब लोग जानते हैं यह बात, तब भी मैं बतला रहा हूं, ठीक है, 100 अंक है। लेकिन इसमें से दो पार्ट बढ़ जाते हैं, कितने पार्ट, दो पार्ट बढ़ जाते हैं। पार्ट वन में क्या है दोस्तों, यह क्या होता है, 70 अंक हो जाता है थ्योरी, लेकिन आपका जो 30 अंक है यह हो जाता है प्रैक्टिकल, क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। जो 30 अंक है प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 70 अंक हो जाता है थ्योरी है, ठीक है। तो अब जो प्रैक्टिकल में है दोस्तों, अपने स्कूल से 29 और 28 27 के इर्द गिर्द आप नंबर पा लेते हैं किसी प्रकार। मैं जानता हूं हर स्कूल की बात होती है, सबको मिल जाता है, बहुत से ऐसे स्कूल नहीं है उसको नहीं पेटकल बहुत बढ़िया से ली जाती है। हमको तो नहीं लगता कि उसका पेटकल बहुत बढ़िया से ली जाती है जैसे मैंने दिया है दोस्तों, ठीक है। तो 29 और 28 27 के 30 नंबर में से इतने अंक मिल जाते हैं उसके प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं। एक फाइल बंदा लेकर जाता है और कुछ उससे एग्जाम में आता है, पूछता है तो कुछ बता देता है, तब भी उसको इर्द गिर्द इतने नंबर मिल जाते हैं। अब तो बात रह गई आपको प्रैक्टिकल में 30 अंक में इतना नंबर ला लिया, अब 70 अंक जो है दोस्तों आपको एक से लेकर 16 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अभी एक से 14 चैप्टर हो चुका है, किसमें, केमिस्ट्री में, किसमें होगी, केमिस्ट्री में हो चुका है। 1 से 14 तक क्या है, 1 से 14 तक आपका सिलेबस है, ये आपका अध्याय है 1 से 14 तक, ठीक है। तो आपको इतना पढ़कर आप 70 नंबर पा सकते हैं। ये 70 नंबर 3 भागों में फिर बढ़ जाता है। पहला भाग है इनऑर्गेनिक क्या है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरी दोस्तों क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक, अब समझिए अकार्बनिक, ठीक है। पहला अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री 3 क्वांटिटी में आपकी बढ़ जाती है केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन उपसंयोजक बंध, ठीक है। आप लोग सिलेबस लिए होंगे, यानी कि सिलेबस नहीं होगा तो मेरे यूट्यूब वीडियो पर डाला हुआ देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजक बंध और पी ब्लॉक के तत्व के सभी तत्व एलिमेंट आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कार्बनिक, ठीक है, तो पूछा जाता है। और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है। इसमें से रिएक्शन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है जब फिनोल से एस्टोन बनाते हैं, क्या होता है जब फिनोल पर ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया क्या होता है, क्या होता है जब टॉलविन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभिक्रियाएं पूछी जाती है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है 8 से 10 क्वेश्चन नंबर के, 8 से 10 नंबर के नहीं, नंबर है 8 से 10 क्वेश्चन मिलकर पूछे जाते हैं, अंतिम प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। मैथमेटिक्स तरह से पूछे जाते हैं इसमें से,
फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें से जो है दोस्तों जैसे विलयन है, ठोस अवस्था है, पृष्ठ रसायन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। शुरुआत में आपका चैप्टर दिया होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री का हुआ दिया हुआ। इसमें से आपके नोटिस में लिखा है 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अंकित प्रश्न, इसे कहते हैं अंकित प्रश्न, दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा ऊपर देखिए, अंकित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को आपको बेदायरा तैयार करना पड़ेगा इसको, तब आप जाकर 70 अंक, अगर आपको क्वेश्चन लगा लिए तब तो आपको 20 नंबर तो क्वेश्चन आ जाता है, 20 नंबर का लगभग 20-15 नंबर का क्वेश्चन लगा लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन लगाना होता है, अंकित करेंगे सवाल नुमा जैसे, ठीक है। इसमें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होंगे, रिएक्शन लगा लेंगे, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है जैसे K4Fe-CN6, ठीक है, इसका आईपीएससी नामकरण बतलाइए, ठीक है, इसके आईपीएससी नामकरण पद्धति का नाम लिखिए, इसका सेंट्रल मेटोमेटम कौन है, लिगेंड कौन है, ठीक है, ये सब इसका नाम बतलाना पड़ता है। इसमें भी 4 नंबर का क्वेश्चन है उपसंयोजक का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से दायरा से तैयार कर सकते हैं, तब 70 नंबर अंक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप क्वेश्चन तैयार करिए उसी पेपर को इस तरह पेपर को लगाते जाइए, तब आपको बेनवा एकदम सही डायरेक्शन से अपना पॉजिटिव के अंक की ओर अग्रसर करेंगे, ठीक है। तब क्वेश्चन रिएक्शन पूछा है क्या, रिएक्शन यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो 2019-2020 में इस चैप्टर से कितने रिएक्शन इसमें से पूछे गए हैं उस तरह से इसमें से लगाइए आप लोग, तब आपको जो है 90 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं खास वीडियो इतने तक है, ठीक है, तब तक हम आगे जैसे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो अच्छा लगा तो और वीडियो एक बेहतरीन बनाऊंगा, जो आप डायरेक्शन प्रीवियस क्वेश्चन को मैं कहा 2 वीडियो डाला हूँ अपलोड किया हूँ, ज्यादा क्या है, कोई कमेंट ही नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आपके लिए ही मेहनत करके बनाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक थैंक यू सो मच।